नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मंगलवार को पंचकुला पुलिस मुख्यालय पर पुलिस विभाग की पहली समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि इस बैठक के बाद प्रदेश की पुलिस महकमे में पूरी तरह बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य की पुलिस का अत्याधुनिकीकरण किया जाएगा, जिससे पुलिस न केवल नशा तस्करी एवं अन्य आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण होगा, बल्कि पीड़ित पक्षों को भी समय पर न्याय भी दिलाया जाएगा। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा जनता की शिकायतों को भी समय पर निपटान करना होगा, अन्यथा शिकायतों के सुलझाने में देरी करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए राज्य स्तर पर एक शिकायत निवारण कक्ष स्थापित किया हुआ है, जो कि ऐसी शिकायतों को मुख्यालय स्तर पर निपटारा कर रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि हरियाणा को नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए खुफिया तंत्र की मदद ली जाएगी। राज्य में किसी भी अपराधी द्वारा समाज को गंदा करने नहीं दिया जाएगा। इस संबंध में ऑपरेशन प्रहार आगामी 24 घंटे में शुरू होगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस कर्मियों के कल्याण के लिए एक पुलिस वेलफेयर कमेटी का गठन किया जाएगा, जो कि पुलिस कर्मियों से संबंधित सभी समस्याओं तथा मांगों पर उचित कार्रवाई करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य के सभी जर्जर हालत में पड़े थानों के नवीनीकरण किया जाएगा, जिसके लिए सरकार से बजट का प्रावधान होगा। इसके अलावा पुलिस कर्मियों के लिए शहरों के आसपास ही रिहायशी स्थल बनाए जाएंगे, ताकि पुलिस कर्मियों को अपने बच्चों की शिक्षा एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति जनता की सुविधा के लिए राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में शीघ्र ही 2-2 वाहन उपलब्ध करवाए जाएंगे, ताकि पुलिस लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतर सके। इसके अलावा मामलों को हल करने के लिए तेजी लाई जाएगी। इसके लिए पुलिस कर्मियों तथा अधिकारियों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जिसके बावजूद भी यदि शिकायतों का समय पर निपटान नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर गृह मंत्री को पुलिस मुख्यालय पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग नवराज संधू, पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने गृह मंत्री का स्वागत आज पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मेरी पहली बैठक हुई है, और जिसमें मैंने जानने की कोशिश की है कि ये सारा पुलिस डिपार्टमेंट क्या क्या गतिविधियां कर रहा है, कौन कौन से अधिकारी किस किस काम को देख रहे हैं, कौन क्राइम को देख रहा है, कौन लॉ एंड ऑर्डर को देख रहा है, कौन क्राइम अगेंस्ट वुमन को देख रहा है, कौन मॉडर्नाइजेशन को देख रहा है। तो सभी ने अपने अपने विभाग की विस्तार से मुझे जानकारी दी है, और मैं जो जानकारी मुझे दी गई है मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट प्रदेश में कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखने के लिए अपने पूरे प्रयास कर रहा है। लेकिन इसके साथ इसको और बेहतर बनाने के लिए मैंने कुछ सुझाव दिए हैं कि पुलिस को पूरी तरह से इसकी मॉडर्नाइजेशन की जानी चाहिए। हर जिले में वेल इक्विप्ड हमारी यूनिट होनी चाहिए, जो सीन ऑफ क्राइम का अत्याधुनिक साइंटिफिक तरीकों से मौके पर पहुंचकर उनका अनुसंधान कर सके। मैं आपको उदाहरण भी देना चाहूँगा, आपने भी देखा होगा एक सीरियल आया करता था CID, जिस प्रकार का उसमें दिखाया जाता था वैसा थाना मैं हर जिले में चाहता हूँ। उसके लिए मैंने आदेश दे दिए कि संसार के किसी भी कोने से जो भी लेटेस्ट इक्विपमेंट है उसको हासिल किया जाए और हमारी फोर्स को अत्याधुनिक किया जाए, ताकि क्राइम का कन्विक्शन रेट
जो आज लगभग 50% से नीचे है, उसको और अधिक बढ़ाया जा सके। उसी प्रकार से फोरेंसिक लैब, इसने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे लगभग 13,300 की पेंडेंसी थी 18 महीने पहले, जो आज कम होकर 3,000 की पेंडेंसी रह गई है। लेकिन इसको भी हम हर रेंज में, हमारे जो फोरेंसिक लैब के मोबाइल फोरेंसिक यूनिट हैं, उनको भी मॉडर्नाइजेशन उसकी की जाए, ऐसा मैंने कहा है। नशे पर, इल्लीगल शराब पर, जुए पर, सट्टे पर, नशे की दवाइयों पर मैंने तुरंत प्रभाव से पुलिस डिपार्टमेंट को प्रहार करने के आदेश दिए हैं। तुरंत प्रभाव से ये सारी स्टेट में मैसेज कन्वे करें कि जहाँ जहाँ पर ये है, क्योंकि हमको अपने प्रदेश को पूरी तरह से नशा मुक्त प्रदेश बनाना है, और इसमें इंटेलिजेंस की इनपुट भी ली जाए कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन लोग कर रहे हैं, उनको तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पकड़ा जाए, जेलों में डाला जाए। जेलों में जगह कम पड़ेगी, जेलें और बना देंगे, लेकिन ऐसे आदमियों को समाज को गंदा करने नहीं देंगे किसी भी हालत में। मैंने पुलिस डिपार्टमेंट के वेलफेयर के लिए भी मैंने एक कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं कि एक कमेटी बनाई जाए जो पुलिस डिपार्टमेंट के वेलफेयर के लिए, उसको अच्छी एनवायरनमेंट मिले। सारा दिन सड़क पर खड़ा रहता है लेकिन कोई रोटी पूछने नहीं आता। मैंने एक बार खुद देखा, कोई क्राइसिस था, आर्मी भी खड़ी थी, पुलिस भी खड़ी थी। लंच के टाइम पर आर्मी की गाड़ी आई, आर्मी वालों को भोजन देकर चली गई, लेकिन पुलिस वालों को सारे दिन किसी ने भोजन नहीं पूछा। तो कहीं पर भी अगर आप डिप्यूट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइज किसी भी काम के लिए, उसके भोजन की व्यवस्था भी साथ की जाए। थानों को भी जो सारे टूटे फूटे हैं, जहाँ जहाँ पर टूटे फूटे हैं, उनको अपडेट करने के लिए प्रयास किए जाएं, उसका बजट बनाया जाए। और मैंने विश्वास दिलाया है कि मैं सरकार से उसका बजट दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा ताकि उनके लिए अच्छे थाने बनाए जा सकें। रेजिडेंस के लिए भी, उसके लिए हुडको से लोन की प्रक्रिया चल रही है। हुडको से लोन लेकर पुलिस कर्मचारियों के लिए जहाँ जहाँ पर, और ये भी हमने कहा है कि शहरों के नज़दीक, ताकि उनके बच्चे शिक्षा भी ग्रहण कर सकें, स्वास्थ्य की सेवाएं भी उठा सकें, जंगल में जाके ना बना दिए जाएं, जैसा पिछली सरकारों में कहीं पर हुआ है कि जंगल में जाके बना दिए गए। ऐसा नहीं, अच्छी जगह पर, अगर जगह लेनी भी पड़े तो जगह खरीद कर भी अच्छे स्थान पर उसको बनाया जाए। एक डायल 100 योजना है, डायल 100, उसका सेंट्रलाइज्ड ऑफिस पंचकुला में बन रहा है।
हर थाने में दो व्हीकल ऐड होंगे, वो 6 महीने के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ्स डायल 100 को ऑपरेशनलाइज कर दिया जाए, ताकि कहीं पर भी अगर किसी को कोई आवश्यकता, दिक्कत, कठिनाई आती है तो तुरंत उसके पास पुलिस पहुंच सके। आज पहली बैठक है, थोड़ा समझा है, थोड़ा समझाया है, और पुलिस डिपार्टमेंट पूरी तरह से लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेगा। ये एज ए फ्रेंडली पुलिस काम करेगी, और हमारा कोशिश रहेगी कि जो पेंडेंसी है केसेस की, जो पेंडेंसी है जितनी भी है सोल्व करने की, उनको तुरंत उसमें तेजी लाई जाए, और सारा स्टाफ जहाँ पर भी है, जिस भी लेवल पर है, जिस भी लेवल पर वो केसेस पेंडिंग है उनके पास, वो उनको सोल्व करे। और हमारे पास जिस दिन से मैं होम मिनिस्टर बना हूँ, मेरे पास शिकायतों की बाढ़ लग गई है, बाढ़ आ गई है, मेरा ईमेल सारा भर गया है, और मेरे घर पर और मेरे दफ्तर पर दरखास्तें देने वालों की लाइन लग गई है। उसके लिए मैंने विभाग को कहा है कि हम हर शिकायतकर्ता को इंसाफ दिलाएंगे, उसके साथ साथ अगर उसमें किसी की ढिलाई हुई है, अगर किसी ने उसमें कोताही बरती है, तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अगर कोई जानबूझ के किसी के केस को डिले कर रहा है, जैसा मैंने कुछ केसेस में देखा है, तो उसको भी हम करेंगे। हर आदमी को इंसाफ मिले, ये हमारी प्रायोरिटी है। धन्यवाद।